उन्नाव में आज नरसेवा नारायण सेवा हिंदू जागरण मंच के संस्थापक विमल द्विवेदी आधा सैकड़ा पदाधिकारियों के साथ गत वर्षों की भांति चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर 2081 के शुभ अवसर पर ढोल नगाड़ों व भगवा ध्वज के साथ नगर में भ्रमण कर आम जनमानस व व्यापारियों को रोली चंदन लगाकर व अंग वस्त्र पहनाकर हिंदू नववर्ष की बधाई दी। विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इसी तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। धरती के अपनी धुरी पर घूमने और धरती के सूर्य का एक चक्कर लगाने के बाद जब दूसरा चक्र प्रारंभ होता है तभी हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय हिंदू नववर्ष की एवं नवरात्रि की प्रथम दिवस की मैं समस्त उन्नाव जनपद वासियों सहित देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गत वर्षों की बात इस वर्ष भी नरसेवा नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में पूरे मुख्य मार्ग बड़ा चौराहा से लेकर गांधीनगर तिराहे तक सभी को चंदन टीका करने के पश्चात रामनामी पट्टा पहनाकर हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं। और मैं युवा पीढ़ी से यही कहता हूं कि जो जनवरी में नववर्ष मनाया जाता है वो हमारा नववर्ष नहीं है, वो अंग्रेजी नववर्ष है। हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो आज से शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। और मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सनातनी हिंदुओं से आग्रह करता हूँ कि अपना जो सनातन संस्कृति है उसको अपनाएं, ना कि पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता को। मैं पुनः आप सबके माध्यम से हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।